एवरीवन, वेलकम टू तस्नीम इंडियन जायका। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। ये बहुत टेस्टी और हेल्थी है फ्रेंड्स, आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 किलो कैरेट लिया हुआ है। कैरेट को मैंने धो के साफ करके ग्रेट कर लिया है। मोटे वाले ग्रेटर में ग्रेट किया हुआ है इसे मैंने। चलिए अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। 1 लीटर मिल्क ऐड कर लेते हैं। अब मैं फ्लेम ऑन करूंगी। चलिए हम इसे ढक के रख देते हैं 20 मिनट्स के लिए। 20 टू 25 मिनट्स के लिए हम इसे कुक करेंगे। चलिए 25 मिनट्स हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए कैरेट गल चुका है। मिल्क है, हम मिल्क को ड्राई कर लेते हैं। ड्राई होने तक हम इसे कुक करेंगे। इस तरह हिलाते हुए सारा मिल्क ड्राई होने का वेट करेंगे। ऑलमोस्ट मिल्क ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे इस कप से 2 कप चीनी ऐड की हुई है फ्रेंड्स। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। चलिए चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो वाटर रिलीज किया है इसे हम ड्राई होने का वेट कर लेते हैं। इसे अच्छे से हिलाते हुए ड्राई करेंगे हम। 1 और कप चीनी ऐड करूंगी मैं। खोया ऐड करने के बाद मीठा तीखा हो जाएगा, इसीलिए मैंने चीनी ऐड और थोड़ी सी चीनी मिक्स कर लेती हूँ। चलिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे, मावा। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो खोया ऐड किया है। खोया ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने खोए को हाथ से ही मैश किया हुआ था। आप चाहे तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। 8 से 10 मिनट के लिए अब हम कुक करेंगे मिक्स करके। खोया अच्छे से घुल चुका है फ्रेंड्स। देखिए अच्छे से खोया घुल चुका है और ये ड्राई भी हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे सॉस पैन रखा हुआ है, देसी घी ऐड की हुई है मैंने इसमें। 100 ग्राम देसी घी ऐड की है। घी गरम हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन इलायची, इसे मैंने कूट लिया है, दालचीनी, ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं बादाम,
कैशिव नट, आलमंड, कैशिव नट और मैंने यहाँ पे ड्राई किशमिश ली है, ड्राई ग्रेप, सारा ड्राई फ्रूट मैंने ऐड कर दिया है। चलिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद से जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। चलिए ये फ्राई हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ करके मीठे में ऐड कर देंगे। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत मजेदार बना है फ्रेंड्स। चलिए ड्राई फ्रूट को हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम सर्व करेंगे। मैंने गार्निश किया है ड्राई फ्रूट्स के साथ। गाजर का हलवा बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।